दोस्तों मैं भी आया हूँ डोमिनोज पिज़्ज़ा में। ये इधर ऑर्डर किए हैं, ये इधर ऊपर नाम लिखा क्या आ रहा है, ये इधर अंदर बना रहे हैं किचन में। साथ में हमारे अहमद भाई भी आए हैं। अभी नहीं रेडी हुआ भाई, अभी एक मिनट बाकी है। ये अंदर शायद उधर रेडी हो गया है, उधर कटिंग कर रहे हैं। उसकी मशीन वो उधर चल रही है, अभी मैं अंदर नहीं जा सकता। ये इधर जो है बना रहे हैं, इधर से ये बनाने का प्रोसेस इधर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ इमरान, इमरान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके इंतज़ार कर रहा हूँ, 8 बज गया है, अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस से निकलने के बाद आज मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, घर रूम पे आऊँगा उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इसकी माँ जो है हॉस्पिटल जाएगी आज। दोस्तों मैं ऑफिस में छोड़ दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। उधर से रोड जो है ब्लॉक था, सर्विस रोड बंद था, जाम की वजह से कभी कभी वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले सर्विस रोड बंद कर देते हैं, इसलिए मैं अभी दूसरे रास्ते से घूम के जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे सामने BMW जा रही है, रेड कलर में, कलर बहुत प्यारा है। दोस्तों सुबह सुबह हर रोड जाम रहता है, अभी मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ घूम के, तब भी जाम है क्योंकि सुबह ड्यूटी का टाइम रहता है। अरबी में बोलते हैं अलीन फी दमा वक्त दवाम, ड्यूटी को दवाम बोलते हैं अरबी में ये लोग। दोस्तों ये जो ट्राला खड़ा हुआ है, ये गार्डन का पोल है, लेके आया है, जो लाइट लगाते हैं उसका, इसमें पोल लोड है। ड्राइवर इसमें भी जो है सो रहा है, साथ में जो है रात में गाड़ी चलाया होगा, ये सो रहा है, नहीं तो मैं उससे बात करता क्या सैलरी है इस कंपनी में क्या है। ये इधर एक डंपर खड़ा हुआ है, ये गाड़ी तो स्टार्ट है लेकिन इसका भी ड्राइवर सो रहा है, क्योंकि इधर जरिए नंबर प्लेट खोल दिए हैं ताकि कोई फाइन ना मारे, नंबर प्लेट खोल के रख दिए हैं। जो गाड़ी आप लोग दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये लोग के यूज़ के लिए नहीं है, इसमें ये लोग जो है दुकान लगाते हैं जंगल में, जब सऊदी लोग जाते हैं वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए ठंडी में, उसी टाइम पे लोग दुकान लगाते हैं इसमें। ये जूस है, खाने का सामान, चिप्स है, ये सब इसमें बेचते हैं, बहुत अच्छी कमाई होती है इन लोग की। लोग सऊदी यहाँ लगा सकते हैं, अजनबी नहीं लगा सकता। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ बंगाली होटल पर नाश्ता लेने के लिए, ये उधर बंगाली होटल है, उधर से नाश्ता लेना है, नाश्ता लेके सीधे रूम पे चले जाना है। दोस्तों मैं अभी नाश्ता लेके आ गया हूँ अपनी गाड़ी पे, चल रहा हूँ पहले तो पेट्रोल पंप पे जाना है, पेट्रोल फुल करना है, उसके बाद मैं फिर रूम पे जाने के बाद पहले सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद शायद हॉस्पिटल की ड्यूटी है। यहाँ पेट्रोल पम्प पर मुझे पेट्रोल डालना है, ये देसी सफाई कर रहा है इधर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आसिफ भाई? ये हमारे आसिफ भाई देखो मोहब्बत में मिलने के लिए आ गए भाई। बिल्कुल, भाइयों से मिले नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। अच्छा, और क्या हाल है? मैं सबसे पहले मैं पेट्रोल डाल देता हूँ भाई, माशाल्लाह। और मुतवा भाई खड़े हैं सामने तो भागते रहते हैं, और बताइए वसीम भाई क्या हाल चाल है? अच्छा बात हो रहा है बराबर। इधर जा रहा हूँ पेट्रोल डालने, इसका प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं कार्ड लगाया तो ऑफलाइन बता रहा था लेकिन वो आगे देसी से ठीक किया। दोस्तों मैं रूम पे पहुँच गया हूँ लेकिन नाश्ता करने का टाइम नहीं लगा, नाश्ता गाड़ी में रख लिया हूँ, मैडम को हॉस्पिटल में छोड़ के फिर वहीं पर बैठ के पार्किंग में नाश्ता करूँगा। हाउस ड्राइवर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, नाश्ता करने का भी टाइम नहीं लगता। ये तो पूछ रही थी नाश्ता की हो कि नहीं, मैं बोला ठीक है मैं नाश्ता गाड़ी में रखा हूँ वहीं पे जो है कर लूँगा पार्किंग में, बोली कोई बात नहीं ठीक, वो पानी लेके आएगी। दोस्तों मैं भी हॉस्पिटल में छोड़ दिया हूँ और मैं चल रहा हूँ पार्किंग में, गाड़ी पार्किंग में पार्क करके उसके बाद मैं नाश्ता करना है क्योंकि आज जो है रूम पर नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला, लेट हो गया था। मुझे पहले से पता था हॉस्पिटल जाना है इसलिए मैं नाश्ता ले भी लिया था ताकि जल्दी से नाश्ता कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला। दोस्तों यहाँ इस हॉस्पिटल में मैं 15-20 दिन पे आता रहता हूँ, जो है वो मैडम पहले यहीं पे टीचर थी, अभी जो है रिटायर हो गई है, तो इसका यहाँ पे फ्री इलाज है। और ये जो है शुगर चेक करने के लिए 15-20 दिन पे आते रहते हैं, लोग का बहुत अच्छा है यहाँ पे, फ्री इलाज ज़्यादा है, ये सरकारी हॉस्पिटल है। अभी पहुँच गए पार्किंग में, देखता हूँ जहाँ पर अच्छी से पार्किंग मिल जाए छाए में,
पार्किंग तो कहीं भी कर दूंगा, लेकिन मुझे छाया में नाश्ता करना है, यहीं पे झाड़ के नीचे आके बैठ के नाश्ता करता हूँ। दोस्तों मैं भी आ गया हूँ पार्किंग में, और गाड़ी अपनी जो है इधर पार्किंग में अपने पार्क कर दिया हूँ। मैं चल रहा हूँ नाश्ता करने, मैं तो नाश्ता लेके आया था, मुझे पता था पहले से कि हॉस्पिटल जाएगी। ये पराठा है और सब्जी है, यहाँ पे कोई प्लेट नहीं है, उसे पन्नी में खा रहा हूँ। दोस्तों सऊदी अरब है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। दोस्तों मैं नाश्ता कर लिया हूँ आराम से, अब जा रहा हूँ ये जो है पन्नी कचड़ा जो है इसको डिब्बे में डाल देता हूँ कचड़े के, क्योंकि यह इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो इंसान साफ करता है वो मेरे जैसा वो भी एक इंसान है। उसके बाद यहाँ पे फाइन भी मार देते हैं, लोग इससे भी डरते हैं, लेकिन कोई भी सफाई कर्मचारी है तो उसको उसकी जो है इज्जत करना चाहिए। किसी का काम या छोटा या बड़ा नहीं होता, सब अपना अपना काम कर रहा है, चाहे एक सफाई कर्मी हो वो अपना काम कर रहा है, अगर वो एक इंजीनियर है तो वो भी अपना काम कर रहा है भाई। वो अपनी हैसियत से इंजीनियर है, वो इंजीनियर का काम कर रहा है। जो बेचारा गरीब है वो सफाई कर्मी है, सफाई कर रहा है। लेकिन सबकी इज्जत करना चाहिए, सब एक जैसे इंसान हैं, लेकिन सब ये बात नहीं समझते हैं, कोई कोई समझता है। दोस्तों यहाँ पे इतना गर्मी पड़ती है, देखिए झाड़ में जो है पानी का पाइपलाइन लगा हुआ है, टाइम टाइम से पानी आगे खोलते रहते हैं, उसके बाद भी सूख गया है। ये जो है इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन इसमें भी पानी लगा हुआ है, पाइपलाइन है, इधर भी है चारों तरफ। फोन आ गया है और मैडम हॉस्पिटल से निकल रही है, मैं चल रहा हूँ गेट के पास, वहाँ से निकलेगी तो सीधा उठे मार्केट जाएगी, घर के लिए अपना सामान उसको लेना है मैडम को। दोस्तों गेट के सामने की हॉस्पिटल का जो गेट है उसके सामने की फोटो वीडियो नहीं बना सकता हूँ, वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, बाद में मुझे दिक्कत हो जाएगी। उसम के अंदर आ गया हूँ, इधर मैडम अंदर गई है, बोले अरबियाँ लेके आओ, मैं अरबियाँ लेके जा रहा हूँ। ये इधर सामने इधर है, इधर से ये गूलर ली है, गूलर को अरबी में तीन बोलते हैं, ये संतरा है, संतरे को अरबी में फंदी बोलते हैं, ये मौसम्बी, मौसम्बी को बोलते हैं पुर्तगाल अरबी में। दोस्तों रूम पे तो आ गया हूँ, लेकिन मैं गाड़ी अभी बंद भी नहीं किया, मेरी ड्यूटी तुरंत फिर लग गई है। मैं जा रहा हूँ अभी होटल पे मगलूबा बिरयानी, वहाँ से खाना लेके आना है। यहाँ तक कि मैं पानी पीने के लिए भी नहीं उतरा हूँ गाड़ी से, बस खाली इनका सामान निकाल के रख दिया हूँ, तुरंत गाड़ी पे फिर जो है बैठ गया हूँ। प्यास लगी है, चल रहा हूँ तो पानी खरीद के पीना पड़ेगा या तो मस्जिद से पानी लेना पड़ेगा। तो जोहर का टाइम है, मस्जिद खुली है, चल रहा हूँ मस्जिद से पानी लेके निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर मुझे अपने रूम पे आके मुझे भी खाना खाना रहे है, मुझे चावल भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ड्यूटी भी जाना है ऑफिस। दोस्तों ये है मकलूबा बिरयानी होटल, पूरा लकड़ी का डेकोर किए हैं, टोटल ये लकड़ी का है। दोस्तों ये मकलूबा बिरयानी लेके मैं गाड़ी में आ गया हूँ, चल रहा हूँ अपने रूम पे। दोस्तों अभी मैं इधर आ गया हूँ वेटिंग रूम में, वेट कर रहा हूँ ऑफिस में। दोस्तों आज मेरी ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही थी, ज़्यादा मतलब आज टाइम नहीं लगा बीच में रुकने का कहीं पे। सुबह ऑफिस से छोड़ के गया तो घर पे तुरंत, उसके बाद मैं ड्यूटी लग गई हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल से निकला हूँ, उसके बाद मैं आके मार्केट में रुका था, आप लोगों को वीडियो में जो है बता ही चुका हूँ। उसके बाद मैं इनका सामान के घर पे दे के मैं तुरंत होटल पे गया इन लोगों का खाना लाने के लिए, खाना दे लेके आया इन लोगों को, खाना दिया, उसके बाद मैं अपने रूम पे खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, अभी मैं आ गया हूँ वापस। इधर वेट कर रहा हूँ तकरीबन आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।